जहाँ पे घर के परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर आपके साथ खड़ा हुआ है, नर्सिंग स्टाफ आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं अपने बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी उस समय में, और बच्चा भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस बात से कि मम्मी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जब आप चार चार पाँच पाँच दिन कंटिन्यूसली उनके कॉन्टैक्ट में होते हो तो द बिकम सॉर्ट ऑफ योर पार्ट, आप एक फैमिली का हिस्सा फील होने लगते हो। दिमाग पे टेंशन रहता है, इधर यहाँ जाओ तो उधर भी ध्यान रहता है, ऊपर फादर इधर एडमिटेड है तो उनको देखने आना है, उनका ख्याल रखना है, साथ में कहीं ना कहीं ये लगता है कि बाकी मरीज़ भी हैं उनको भी देखना चाहिए तो उधर भी देख लेते हैं। आईसीयू के मरीज सबसे ज़्यादा सीरियस रहते हैं बेसिकली, एज हेड मेडिसिन और बाकी चीज़ें भी मैं मेनली आईसीयू पे कॉन्सनट्रेट करता था तो अभी भी आईसीयू देखना ज़रूरी हो जाता है। कई बार मिड ऑफ द नाइट में भी कॉल आ जाती है मेरे पास, देखना पड़ता है। तो उस समय एक माँ के दिमाग में तो हमेशा रहता है कि बेटा उसका काम ना करे नहीं कहना चाहिए, मतलब अपना भी ख्याल रखे, तो ये चीज़ तो रहती है, कभी कभी कहती हैं, लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक मरीज़ की जान बच रही है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि ठीक है थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा उससे बेहतर है। अगर ट्रांजेंटली हम कोशिश करके एक मरीज़ की जान बचा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर। सर देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर किसी भी कम्युनिटी को है तो वो मेडिकल कम्युनिटी है, और जहाँ पे घर के परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर आपके साथ खड़ा हुआ है, नर्सिंग स्टाफ आपके साथ खड़ा हुआ है, पैरामेडिक आपके साथ खड़ा हुआ है। आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि इस चेन को ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको संयमित होना पड़ेगा, ज़िंदगी आपकी ही है और डॉक्टर उसमें उसको बचाने में मदद कर रहा है, अगर ऐसी स्थिति ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये तस्वीरें शायद दुनिया के और किसी दूसरे मुल्क में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं, उनके पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, बावजूद उसके वो मरीज़ों का ख्याल रख रहे होंगे। ज़रूर नकारात्मक खबरें आप तक पहुँच रही होंगी, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो इस देश को वाकई सुकून देने वाली हैं। डॉक्टर पूजा, इमोशनल तौर पे कितना मुश्किल होता है जब आप फिजिकली टूट चुके हैं, आप मेंटली भी टूट चुके हैं, तो कितना मुश्किल होता है पेशेंट्स की केयर करना? सर ये तो कहूँगी मेंटली तो नहीं टूटे थे, तब भी नहीं टूटे हैं। और जब मैं पॉजिटिव आई थी तो इनफैक्ट मैं थोड़ा सा शॉक भी थी क्योंकि मैं पूरे एक साल काम करती रही यहाँ पे और मैं पॉजिटिव नहीं आई थी, एंड उसके बाद मैं फुली वैक्सीनेटेड भी थी। तो जब मैं पॉजिटिव आई तो आई थॉट कि मे बी देयर शुड बी सम पैटर्न और रीज़न। तो जब मैं अंदर एडमिट हुई तो मेरे साथ मेरा भाई एडमिट हुआ था तो मैं उसकी केयर करती थी, पूरा हॉस्पिटल जो था वो नॉन कोविड था। तो कोविड वाले पार्ट में ना डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट अभी काफ़ी कम था, तो आई सॉर्ट ऑफ इट वॉज अ मोरल कॉल, मैं जा कर के राउंड लेती थी क्योंकि जब पेशेंट सामने आके आपको दम तोड़ते हुए सिक होते दिखते थे तो आप बैठ के खाना खा के रेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं जाती थी, काउंसिल करती थी, उनके आंसू पोंछती थी, तो सॉर्ट ऑफ एक बॉन्डिंग भी होनी शुरू हो गई। जब आपका कोई पेशेंट आपके सामने, आप उसको बचा नहीं पाते थे, उस वक्त की साइकोलॉजी क्या होती थी दिमाग में? साइकोलॉजी तो सर यही होती है कि इमोशनल ट्रॉमा तो होता ही है। देखिए हाँ, मेरे पास 425 में माता जी थी, कृष्णा करनवाल, तो उनसे थोड़ा सा मेरा माता जी काफ़ी बातचीत करने में को मतलब थी, क्यूट सी लेडी थी, कुछ उनको मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हो गए, आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। और नेक्स्ट डे फिर मेरे पास आईसीयू टीम से कॉल आई कि शी हैज़ एक्सपायर्ड, मैं यहाँ पे राउंड ले रही थी।
तो मैं इनफैक्ट 3-4 पेशेंट्स को मैं देख भी नहीं पाई थी, आई जस्ट रन ऑफ, उनकी फाइल मैंने खोजी, बात की क्या रीज़न है, पता चला कि ऐसे तो डिफ़िकल्ट तो होता है सर, पेशेंट्स हैं और आप स्पेशली जब आप 4-5 दिन कंटिन्यूसली उनकी कॉन्टैक्ट में होते हो तो द बिकम सॉर्ट ऑफ योर पार्ट, आप फैमिली का हिस्सा फील होने लगते हो। दुनिया का कोई भी देश शायद टूट सकता है, लेकिन भारत में चाहे जितनी भी स्थितियाँ ख़राब हों, यहाँ का सामाजिक ढांचा, यहाँ का, यहाँ के लोग, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस, उनके अंदर ऐसा जज्बा है जो शायद इस सिस्टम को टूटने से बचा ले। मास्क लगाइए ना। मैं अपने बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी उस समय में, और बच्चा भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस बात से कि मम्मी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट 24/7 हमारा काम चलता था, क्योंकि मेरे पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इस चक्कर में बच्चा जो था वो बहुत परेशान हो रहा था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि बेटे को साथ में रखना ठीक नहीं है, तो उसको मैंने अपनी फैमिली के पास भेज दिया। अभी मेरा बेटा मेरी फैमिली के पास है। शुरू में बहुत परेशानी होती थी, हम जब इससे बाहर निकलते हैं तो हम पूरा एकदम पूरा वेट होते हैं, तो मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन अब आदत हो गई है। पेशेंट्स को भी देखना है, उनको ट्रीट भी करना ही है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। हमारे से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो मुझे लगता है नर्सिंग स्टाफ के लिए है। हम लोग आते हैं, मरीज़ को देखते हैं, उनका राउंड लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते हैं। बाकी मेन प्रॉब्लम जो है, मुझे लगता है नर्सिंग स्टाफ जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहा है और एकदम पीक पे काम कर रहा है, और उनको तो स्पेशल थैंक्स है और सैल्यूट है नर्सिंग स्टाफ को कि वो इतना कर रहा है। शायद एक कमांडो को या एक आर्मी के जवान को दिमागी तौर पे बहुत तैयार किया जाता है, बावजूद इसके ये डॉक्टर्स जिनके पास शायद ऐसी मेंटल ट्रेनिंग नहीं है, उसके बाद भी इतने बड़े तनाव को झेल रहे हैं और मरीज के लिए सही वक्त पे सही कॉल ले रहे हैं। पेशेंट्स को और उनके परिवार वालों को समझाना, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि इससे पहले हेल्थ केयर में कभी ऐसा नहीं था कि सामने वाला पहचान नहीं पाएगा कि किससे बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, नर्सिंग साहब से बात कर रहे हैं, हाउसकीपिंग से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सब एक ही कोर्ट में है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों ने एक सिस्टम बना दिया कि हर कोई अपना नाम लिख कर आएगा, सो दैट कि पेशेंट जान सकता है कि हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे नर्सिंग साहब है, हाउसकीपिंग की किससे हम क्या बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब इस सिस्टम में आप बंधे होते हैं आइसोलेशन में ना, तो वो ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोगों को लगता होता है कि यार हमारा डॉक्टर हमें पता हो, हमारा डॉक्टर हमसे बहुत बातें करे, हमें बताए, क्योंकि वो डर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डर को टैकल करना, कि पेशेंट को काउंसिल करना कि आपको कुछ होगा नहीं है, फिर उनको अपडेट करते रहना कि आपकी करंट कंडीशन ये है। आप ऐसा देखते हैं कि जो अटेंडेंट होते हैं उनको वो हर पल चाह रहे होते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्हाट्सअप यूज़ नहीं भी करते हैं। हमारे पास सिस्टम बना हुआ है कि 12 से 2 बजे के बीच में हेल्पलाइन हेल्प डेस्क लगा हुआ है, आप आ सकते हैं, अपने पेशेंट की सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उस भीड़ को भी कम करने के लिए। अच्छा, कितना मुश्किल होता है जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आज से पहले तो आप लोगों की इस सिस्टम में ऐसा नहीं आया कि इतना पैनिक, इतना बवाल, इतनी नाराज़गी पेशेंट के अटेंडेंस की? अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कितना मुश्किल होता है मेंटली? देखिए, मेंटली तो एकदम टफ़ होता है। इसलिए टफ होता है कि जब सामने वाला डायरेक्टली वो बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क लगाता है ना, जब पेशेंट कहता है कि जी हमें डॉक्टर देखने नहीं आए, और उस फ्लोर पर हमेशा हमारे डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट रिकग्नाइज नहीं कर पाता है पीपी में एक साथ। तो बट ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मान लीजिए तो मुश्किल है, ना मानिए तो कुछ नहीं। और जब इम्पॉर्टेंट है कि ये त्रासदी इस ज़िंदगी में तो हम पहली बार देख रहे हैं और खुदा करे आखिरी बार देख रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, चाहते तो पहली बार कोविड होने के बाद काम नहीं करते, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि अगर कभी वो मौका मिले कहने का, तो कोई ये ना कहे कि हम खुद को ये ना कहे कि हम घर बैठे थे, वो नहीं। मतलब एक सेल्फ जिम्मेदारी है डॉक्टर होने के साथ, आपकी एक सोशल अकाउंटेबिलिटी है, तो वो करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 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 कभी कभी दिमाग में तो आता होगा कि यार मैं यहीं पर सर्व करते हुए मेरे चेस्ट में पैचेज आ गए थे, मैं बहुत सिक हो गया था, बीमार हो गया था, तो कहीं वो बात दिमाग में रहती है? देखिए, डर तो रहता है, लेकिन ये पैंडेमिक हिम्मत नहीं तोड़ पाई है ना। जरूर हो सकता है कि किसी का थोड़ा मोड़ा फिजिकल हेल्थ ख़राब हो गया हो,
लेकिन बुलंदी इतनी है और वो इसीलिए क्योंकि हमारी टीम बड़ी अच्छी है। कुछ तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं। ज़रूर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर ऑक्सीजन के लिए बिलखते लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें लोग एक एक बेड के लिए मारामारी कर रहे थे। लेकिन कुछ तस्वीरें जो आपने नहीं देखी, कुछ कहानियाँ जो आपने नहीं सुनी, जो आपको हौसला देंगी और ये निश्चित करेंगी कि कोरोना कम से कम भारतीय डॉक्टरों और नर्सेस के आगे जीत नहीं सकता। कैमरामैन राजेश के साथ इंद्रजीत राय, एबीपी न्यूज़, जिम्स, नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।